दमोह जिले के कुम्हारी थाना क्षेत्र में मोटर की चोरी होने का मामला सामने आया था और इस मामले पर तफ्तीश के बाद कुम्हारी थाना पुलिस के द्वारा दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें परसु उर्व परशोत्तम यादव एवं रामला यादव को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से 5 नग विद्युत मशीन, पानी की मोटर बरामद की गई हैं, जिसकी कीमत करीब 75,000 रुपये आंकी गई है। और इस मामले पर पुलिस अधीक्षक DR तेनिवार ने खुलासा करते हुए जानकारी दी। विगत दिनों कुम्हारी थाना क्षेत्र में और नोटा थाना क्षेत्र में यह खेत पर सिंचाई के लिए जो विद्युत मोटर रहती है, ये चोरी की घटनाएं कुछ हुई। मेरे द्वारा जो है SDOP हट्टा, SDOP तेंदुखेड़ा और संबंधित थाना प्रभारी को निर्देश किए कि इसमें कोई ना कोई गैंग अवश्य है जो इन मोटरों को चोरी कर रहा है। इसमें थाना प्रभारी कुम्हारी वंदना गौर को इसमें सफलता प्राप्त हुई और उन्हें दो लड़के, एक पुरुषोत्तम यादव है और एक रामलाल यादव, इन दो व्यक्तियों को संदेह के आधार में पकड़ा। इनके द्वारा घटना स्वीकार की है कि हमारे द्वारा इन दोनों थाना क्षेत्रों से जो है विद्युत मोटरें जो रात में निकाली है और अपने घर पर रख ली है, और इन दोनों व्यक्तियों से करीब जो 5 मोटरें हैं, जो 5 प्रकरण में विधिवत तौर पर जब्त की गई है, बरामद की, दोनों आरोपियों को गिरफ्तारी की गई है। ये दोनों चूँकि पहली बार अपराध किए थे, थोड़े से पैसे के लालच में कि मोटर को लेकर के कुछ दिन रख करके वो सस्ते में बेच देते थे, वो पैसे प्राप्त करने के लिए इन्होंने ये वारदात की है। इनकी निगरानी फाइल भी खोली जा रही है।